तो हेलो वेलकम दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो भाई हम तो घर पे हैं, काम वाम तो था नहीं कहीं से भी, तो घर पे ही टाइम पास कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे के सारे रोड पे पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना? और भाई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यार कुछ नहीं रखा गलत काम करने में, ठीक है, नतीजा ख़राब होता है। तो ये आपके लिए थोड़ी बेस्ट मोटिवेशन वीडियो रहेगी, ठीक है। इसको देखें, पूरी देखें और इस वीडियो को समझें कि इस वीडियो में कहा क्या गया है आपको। तो भाई ऐसा होता है, देखो अपने हाथ में होता है जो भी होता है, ठीक है ना। हम अपने हाथ में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। पर जो आजकल की जनरेशन है ना, वो ज़िंदगी बनाने में कम ज़िंदगी बिगाड़ने में ज़्यादा सहयोग दे रही है अपना। तो यार ऐसा तो मत ना करो, ठीक है। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार सोच लो कि अगर जो हम काम गलत कर रहे हैं इसका परिणाम क्या निकल जाएगा, ठीक है ना। उसका परिणाम गलत भी निकल सकता है, उसका परिणाम सही भी निकल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही होएगा। अगर ऐसा होता ना तो सब पता नहीं क्या क्या सोचते हैं डेली, उनकी बातें भी सही होती। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो आप मेहनत करोगे वही आपके सामने आएगी, अन्यथा कुछ नहीं आएगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। मेहनत करने से ही फल मिलता है, चाहे आप अब कर लो, चाहे इसको आप 5 साल बाद कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ वो बात अलग है कि आप मेहनत किस प्रकार से करते हैं। मेहनत भाई बहुत प्रकार से की जाती है, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है आपको, ठीक है ना। अगर भाई मैं मेहनत शुरू से करता और मैं बात मानता अपने घर वालों की, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मेरे को किराए के मकान में नहीं रहना पड़ता, मेरे को दूसरों के ताने नहीं सुनने पड़ते। आज मेरे को पता नहीं किस किस के ताने सुनने पड़ते हैं, ठीक है, एक किराए के मकान की वजह से। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मेरी लाइफ में, लाइफ बर्बाद हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि किराए के मकान पे कोई अपनी लड़की भी नहीं देने को तैयार रहे, ठीक है ना। 5 साल से घर वाले शादी के लिए घूम रहे हैं, लेकिन आज तक जो है अभी तक किसी ने भी हाँ नहीं की है, क्योंकि किराए के मकान पे कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी लड़की को किराए पे मकान पे किसी के साथ शादी करी जाए। और भाई इस चीज़ के लिए मैं भी कहूँगा कि भाई जो इंसान अगर अपनी लड़की को कहीं देना चाहता है तो यार वो कम से कम मकान तो होना ही चाहिए उसके पास। मैं उनकी बातों को गलत नहीं मानता, पर ये जो भी हुआ है मेरे साथ में वो बस मेरी गलती के कारण ही हुआ है। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे ये बताना ज़रूर ना भूले। और भाई सब अपने मम्मी पापा का बात माने, कुछ नहीं रखा फालतू फंड की बातों में, ठीक है ना। तो आप यार खुश रहो, एकदम काम करो, लगन से करो, जो भी काम कर रहे हो लगन से करो। देखो आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, काम तो जब भी करना है तो उस काम में है ना थोड़ी सी अगर आप लगन डाल दोगे ना तो काम एकदम वर्ल्ड क्लास हो जाएगा आपका, चाहे कोई भी काम हो। तो आप जो भी काम करें लगन से करें, मेहनत से करें और पूरे विश्वास से करें कि हाँ मैं इस काम को पूरा कर दूँगा। अपने मन में ये भी मत लाओ कि मेरे बस की नहीं है। अरे बस की सबके होता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है किसी के कुछ बस की नहीं है, सबके सब बस की है, जो चाहेगा वो होएगा। बस एक बार सोचने की फेर होता है दिमाग का, अपने मन में वो बैठा लो कि हाँ भाई इस चीज़ को हम सही करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सही होती है। अब आप अपने दिमाग में पहले से ही नेगेटिव थॉट डाल लोगे तो फिर वो कहाँ से सही होएगी। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई अपने भाई का साथ देना ना भूले यार, मेरे को आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हो मेरी कंडीशन, ठीक है, मैं YouTube पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने अकेलापन दूर करने के लिए, क्योंकि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, इसलिए भाई मेरा साथ दो यार। और मैं आपको एंटरटेनमेंट भी करूँगा, क्या करूँ, अभी फ़िलहाल मेरा मूड ख़राब है। कितने दिनों से, जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा है जब से मेरा मूड ख़राब है। रोज़ सुबह उठता हूँ कुछ ना कुछ बात मेरे लिए रहती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, किसी ना कुछ तरीके से मेरा दिमाग ख़राब कर देता है। तो भाई आप ऐसा ना करें। अब भी आप देख सकते हैं मैं बारिश में खड़ा हुआ हूँ, छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, बारिश पड़ रही है, देख लो आप, बारिश पड़ रही है, बारिश में छत पर खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए भी जगह नहीं बची। अब मैंने आपको दिखाया था सेटअप है मेरा, पर वो सेटअप भी अब बेकार हो जाएगा। अब हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे बढ़िया सेटअप बनाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया जगह भी जाएंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, खुदा हाफिज, आप खुश रहो, बस यही दुआ है मेरी दिल से। अपने भाई को भी थोड़ा सा सहयोग दो यार, ठीक है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा संकल्प ले रखा है अपने अंदर। मैं आगे बढ़ के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई भी परिस्थिति मेरे को नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, और मैं आगे बढ़ के ही रहूँगा। उसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आप मुझे साथ दें, मैं आपका साथ दूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम मेरे दोस्तों।